हेलो, आपके जीवन में कोई कष्ट है? कौन बोल रहे हैं आप? आपके कष्टों का निवारण करने वाला। कष्ट सबके जीवन में होता है। कष्टों का निवारण आपको देने के लिए आया हूँ। बोलना क्या चाहते हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। बेटा कष्ट नहीं होगा तय है, बावसीर का इलाज संभव है। तुम पीछे कष्ट रखो पागला। हेलो दादा, की होय छे? बावसीर का इलाज सुबह सुबह ठंडे के टाइम में दुकान खुला है, अभी क्यों ऐसा परेशान कर रहा है? হ্যালো, থানা থেকে বলছিলাম। কি বলুন? একটু ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে আপনার সঙ্গে, একটু সাইডে আসুন আপনি। কি হয়েছে স্যার? একটু সাইডে আসুন আপনি। তুমি সাইডে এসছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার একটা জিনিস শোনাচ্ছে, একটু ভালো করে শুনবে, ঠিক আছে? আচ্ছা। বাবা সির কা ইলাজ সম্ভব হ্যায়, তোর বাবা সির এর বাবা সির কে ইলাজ কে লিয়ে আজ এড্রেস করে, পার্ক সার্কাস স্টেশন সে চার তিসরা মকান 5-7 आइए हमारे देश को बाबा से मुक्त बनाते हैं। दो पुड़िया जिंदगी की बाबा। हेलो, बाबा सिर का इलाज संभव, ये तय है, नहीं होगी। दादा बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय। आइए हमारे देश बाबा सिर मुक्त बनाते, दो जिंदगी की आपने लिखा। प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से, अपन मस्ती कर रहे थे आपके साथ में। अरे क्या यार, तुम लोग तो ले लेते हो यार। ऐसा कहा था दादा, आमी जानी तुम्हें की बोल बे, बाबा सिर का इलाज संभव है कि नहीं? हाँ संभव है। गा के बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। हेलो दादा, आप कल हमारा दुकान से चिकन लेकर के गए थे, आपने खा लिया क्या वो चिकन? হ্যাঁ। না না কিছুই না। আরে হ্যালো, কি হয়েছে বল? আমার ছেলে ভুল করে আপনাকে মরা মুরগি বিক্রি করে দিয়েছে। মানে কাটা ছিল তো দেখলাম। হ্যাঁ ওটা অনেকদিন আগেই মরে গেছিল। তো আপনি তো কিছু করতেই সকতে, আপনি তো খেয়ে নিয়েছেন। ঠিক আছে তাহলে আমি রাখছি। হ্যাঁ দাদা। আরে ওই তোর দোকানে আমি যাচ্ছি, আমি পাড়া থেকে লোক নিয়ে যাবো। দাদা দোকান মে আকে কোই ফায়দা নেই, আখরি মুরগি বস 2 ঘন্টে পহলেই বেচি হামনে, তো দোকান কান বন্ধ করকে হাম লোক গাঁও যা রহে হ্যায়। আমি পুরো মেরে লাশ করে দেবো বলে দিচ্ছি। ও দাদা, আমি এখন শিয়ালদা স্টেশনে আছি, আমরা তো চলে যাচ্ছি। তুলে নে মারবো তোমাকে আমি। দাদা দেখিয়ে আপ তো, আপকো চিকেন গুনিয়া হোগা। চিকেন গুনিয়া তো মশা থেকে হয়, মুরগি কবে থেকে? আরে ও পহলে হতা থা দাদা, আবি চিকেন গুনিয়া জো হ্যায় ও চিকেন সেই হতা হ্যায়। আপ তো বস কুছ দিন রহেঙ্গে। শালা যদি কিছু হয় না তো গ্রাম থেকে তুলে নে কেলাবো তো তোমাকে আমি বলে দিলাম। কুছ নেই হোগা দাদা, আপকো জাদা সে জাদা আপ মর জায়েগা, আর কুছ নেই হোগা। তু তু রুক। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা হ্যাঁ, হাম কাহে রুকেঙ্গে, তোর বাপ কা নকর হ্যায় ক্যা? তুই শালা, তোর ফোন নাম্বার ট্রেস করে তোকে তুলে আনবো আমি বলে দিচ্ছি। মেরা ফ্যামিলি কোন শুনিয়ে মেরা ভি নেই হোগা পায়েঙ্গে আপ, সমঝে? তুই দেখ না কি नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं ना। देखिए आदमी मुसाफिर आता जाता है। मुर्गी अभी तुम्हारे पेचों ने यदि कुछ हो या हमारे। दादा आपनी भालो थाक बेन दादा। हेलो, आपने कल कोई चिकन खाया था? हाँ। यानी कि आपने कल मुर्गी खाई है? हाँ, बोलती तो मुर्गी रान्ना हुई थी। इसका मतलब कि वो जो पक 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 करता आपने वो खाया है? अरे मुर्गी की 10-12 रकमें है, के बोलती है? आई एम द डॉक्टर एंड आपका नंबर मुझे वो चिकन दुकान वाले ने दिया है। मेरी फीस 1,000 रुपए, वो मैं आपसे बाद में लूंगा। किस फीस? आपका इलाज कर रहा हूँ मैं फोन पे उसके लिए। अबे इलाज फोन पे होता है क्या? दादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है दादा, आजकल डॉक्टर लोग के पास में टाइम नहीं है, फोन पे इलाज कर देते हैं। हमें मालूम आपको हुआ क्या? सुनना, हेलो हेलो, तो टाइम नहीं है। हमें मालूम आपको क्या हुआ है। यू आर सफरिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम स्टेज ऑफ चिकन गुनिया। कोनो चिकन गुनिया ना, मैं सुस्त ही थी। इससे पहले आप छोड़ दे दुनिया, मैं आपको उपाय बता दूं। सुबह सुबह हम आपके घर पे आदमी भेजेंगे, सुबह में जब आप निकालेंगे तो वो चिकन पकौड़ा का टेस्ट होगा।
दादा जस्ट टेल मी वन थिंग, जो चिकन पकौड़े निकलेंगे वो आप भी टेस्ट करके देखेंगे? तोर छोटो छोटो काटबो केटे केटे पकौड़ा करे बेचबो जदि हमार माता खास है कोनटा फोन करे। तो चिकन पकौड़ा का टेस्ट होगा दो स्टेजेस में, एक है मॉलिक्यूलर स्टेज एक है सिंगुलर स्टेज। ओके কেন মাথা খাচ্ছিস বলতো তখন থেকে ফোন করে করে? মুরগিওয়ালা ফোন মাথা খেলো এখন এই ডাক্তার কত। डॉक्टर इज आरजे प्रवीण फ्रॉम रेड एफएम और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। आमी मुर्गी के लिए सही खबर तुम्हारे कैसे चले गए? हेलो हाँ भैया, वो हम आपका मोबाइल दुकान से भैया फोन लेकर के गए थे। जी आपका नाम? तो अरे नाम क्या रखा भैया, नाम हमारा ऐसे ही खराब है। कौन सा फोन लेके गए थे? का अच्छा, आपका फोन भैया खराब निकल गया है बहुत। क्या क्या क्या? हम जब हम अपना गर्लफ्रेंड से बात कर रहे, दिन में भैया बात हो रहा है लेकिन रात को जैसे ही होता है ना भैया, तो रात को फोन पे बात नहीं हो पाता है। नेटवर्क नहीं आते क्या? नेटवर्क सब भैया, हम रात को जैसे ना 11 बजे से 4 बजे तक फोन करते हैं ना गर्लफ्रेंड को, तो कंटिन्यूस बता रहा है द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी ऑन अनदर कॉल। हां तो बिजी है ना वो दूसरी कॉल पे। ये फोन का खराबी, हमारी गर्लफ्रेंड बहुत सही है। गर्लफ्रेंड ठीक है लेकिन फोन किसी और को मिला रखा उन्होंने। ये एक दिन होता तो हम मान लेते, ये दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन सात दिन से लगातार हो रहा है, 11 बजे से 4 बजे तक फोन बिजी है। सात दिन तो अभी पता लगा तुम्हें, ये बहुत टाइम से हो रहा है। नहीं किसी से बात कर रहे? किसी और से नहीं बात कर रही है, हमारी गर्लफ्रेंड हमको बहुत प्यार करती है। हमारा जब 8 बजे बात हुआ सुबह उससे, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ तेरे से सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन भैया 11 से 4 बजे वो किसी और से बात कर रही है। आप उस पर लांछन लगा रहे हैं बता रहे हैं। अरे लांछन क्या, मैं बोल रहा हूँ वो बात किसी और से कर रही है। अब क्या बात कर रही है ये? हम भैया 8 बजे जब उसको फोन लगा रहे तो रिंग हो जा रहा है, वो ऐसे उठ के बोले बेबी क्या हुआ बेबी? तो मैंने उसको बोला कि रात को फोन किए, तो बोली मैं तो फ्री थी बेबी लगा नहीं। ओ भाई ओ सुन सुन सुन, हाँ कटवा रहा है तू अपना। क्या बोले? झूठ बोल रही है, किसी और के साथ है वो। क्या बोले आप, थोड़ा जोर से बोलिएगा। वो लड़की तेरा काट रही है और तू बेवकूफ कटवाया जा रहा है। बेबी सुनो सुनो भैया, एक बार और बोलिएगा, लाउड स्पीकर पे बोलिए, ऑन करते लाउड स्पीकर। बिल्कुल ही नहीं कर रही है तेरी गर्लफ्रेंड। हेलो बात क्या है, मैं बना रही हूँ इनका, तुम क्या बोल रहे हो? अरे आप हो कौन? अरे भैया मेरी गर्लफ्रेंड है, साथ में बैठी थी, हम लाउड स्पीकर ऑन करके बता दिए कि आप बोल रहे हैं पता नहीं क्या क्या बना रही है, सुन लिए आप। ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं उनको बना रही हूँ? अरे तू पागल है क्या, लाउड स्पीकर बोल के बंद तुम खुद हो पागल साला। अरे दीदी आप मेरा रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका आपकी शादी हो गया। कितने मुश्किल से लड़का पटाया, रेलवे में काम करता है। अगर इतनी मुश्किल से पटाया तो रात 11 से 4 फोन बिजी क्यों जा रहा है? फोन खराब है, तुम्हारे बारे में भी कंप्लेन करूंगी और जो कंपनी है उसके बारे में भी कंप्लेन करूंगी। दीदी हमारी गर्लफ्रेंड गलत नहीं है, गाय है गाय, हम बता रहे आपको। अरे तू पहले चुप हो जा, मैं संभालता हूँ। दीदी ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, आप ठीक हो, आज आप ना 11 बजे फोन ना फ्री रखना ठीक है। कहा है? अरे मतलब फोन मत समझाओ भाई, छोड़। हंस रहा? प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, मुर्गा बना रहे थे भाई। अबे यार। हेलो सीए मोहित अग्रवाल। जी 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 बताइए। सर आपने दो दिन पहले में फ्लाइट की टिकट्स बुक करी थी राइट? बिल्कुल करी है सर। एंड द ईमेल एड्रेस व्हिच यू हैव गिवन सीए अग्रवाल @.com। बिल्कुल जी। आपकी ये टिकट अनफॉर्चुनेटली सर हमें कैंसिल करनी पड़ रही है, बिकॉज सिस्टम में दिखा नहीं रहा, एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब? बिकॉज सर आपका ये जो ईमेल एड्रेस है CA Mohit Agrawal 81@gmail.com, इसके साथ में आई थिंक आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका लिंक्डइन अटैच्ड है इसी ईमेल एड्रेस के साथ में, CA Agrawal@gmail.com। हाँ बट उससे क्या? हाँ जी सर, तो एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है सर कि आजकल सोशल आइडेंटिफिकेशन इज द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीवन, आई एम श्योर दैट यू अग्री टू इट। ओके, तो आपका जो नाम दिखा रहा है ना सर मोहित अग्रवाल के नाम पे आपने टिकट बुक किया, बट एक्चुअली में नेम इज CA मोहित अग्रवाल। हाँ बट मेरी आइडेंटिटी तो मेरे पासपोर्ट से जो होगा ना? नहीं नहीं सर, आजकल सोशल आइडेंटिटी पहले आती है, सो इट्स CA मोहित अग्रवाल एवरीवेयर, एंड अगर आप टिकट मोहित अग्रवाल के नाम पे बुक करेंगे ना तो वो कैंसिल हो जाएगा सर। कौन से रूल में लिखा है सर आपके? नए रेगुलेशंस आए सर, अगर आप, मैं आपको बता देना, देखिए आपको बाद में एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी, टिकट लेकर के जाओगे आप एयरपोर्ट पे, वो देखेंगे कि मोहित अग्रवाल के नाम पे ये है और आपकी सोशल आइडेंटिफिकेशन उनके पास में रहेगी, तो आपको गेट से ही बोलेंगे निकल CA, पहली फुर्सत में निकल। नहीं नहीं हेलो एक मिनट,
क्या बात कर रहे हैं आप? आपने यू आर नोन एज सीए मोहित। बात सुनिए, हम जब टिकट बुक करते हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन हमसे क्या लेते हैं? पासपोर्ट या कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, गवर्नमेंट आईडी? तो उसमें तो मेरा नाम मोहित अग्रवाल ही है ना। आपने इमरजेंसी एग्जिट वाली टिकट बुक करी है राइट सर? बिल्कुल करी है। एंड यू हैव पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सर। हमारी एयर होस्टेस है पूजा, शी वांटेड टू टॉक टू यू। हाय, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमारी एयरलाइन से टिकट बुक कराई है। थैंक यू जी। और आपने आपातकालीन द्वार वाले रो की टिकट बुक कराई है? बिल्कुल कराई है। बड़ी खेत के साथ कहना चाहूंगी कि मैं वो टिकट्स आपको नहीं दे सकती। कारण? सर एक्चुअली आप ठहरे सीए, एक बार में दरवाजा खोलना पड़ता है, आप तो कर नहीं पाओगे। वो इमरजेंसी एग्जिट सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खोलना पड़ता है। पूजा जी जो मैं से बात कर रही है जी, कुछ तमीज भी है, किस लेवल में बात कर रहे हैं आप? ये चीज सर हमारी जान से पहले आपकी जान आती है, अगर एक बार में आप खोल नहीं पाओगे तो बाकी लोग बचेंगे कैसे? सर वो पहले अटेम्प्ट में ही खोलना पड़ता है सर, इसलिए हम आपको बोल रहे थे सर। नहीं 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 सर, मेरी बात सुनिए, वो किस लेवल की बात कर रहे हैं आपसे पता है आपको? मैं लाइफ थ्रेटनिंग लेवल की बात कर रही हूँ सर। कौन बोल रहा है ये? सीए मोहित अग्रवाल जी। जी सर, सीए मोहित अग्रवाल जी बोल रहा हूँ। मेरे को मालूम है कि सीए की पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट होती है। ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो पास कर चुके जो पास नहीं किए उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत रिस्पेक्ट एंड प्यार है। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। क्या प्रवीण जी आप? हेलो। आपका नाम सर? बात कर रहा हूँ। कौन? यू आर अ शेफ? हाँ शेफ हूँ। भाभी कैसी है? भाभी अच्छी है, आपको? पिंकू कैसा है? पिंकू भाई अभी तो शादी हुई है, पिंकू कहाँ से हो गया? और हम तो खबरें सुन रहे थे आपके पिंकू के बारे में। आप बोल कौन रहे हैं? अच्छा रुको, अभी तुमको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। मोमो चित्ते नित्य नित्य पोते घाटे तथा थाई थाई। क्या बोल रहे? मोमो चित्ते नित्य नित्य पोते घाटे तथा थाई थाई। अरे क्या गा रहे हो यार, ये क्या क्या है ये? किसने लिखा बताओ बेटा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हाँ तो टैगोर टैगोर, अब तुम कनेक्शन बैठाओ, याद आ रहा है? क्या कनेक्शन मिला रहे हो यार बेटा? देखो तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा छोटा तैमूर, मम्मी शर्मिला टैगोर और तुम सैफ। यार आप क्या बातें कर रहे हो, आप कहाँ फोन मिलाया आपने? कौन हो यार? आपने बोला ना आप शेफ हो। हाँ, तो सैफ अली खान। वे कैसे हो? अबे वो बहुत दिमाग खराब कर दिया, फोन रखो। वे अरे फोन रखो यार, दुखी कर रखा है यार। वे तो तुम भी रख सकते हो। हेलो। हाँ बेटा। कौन बात कर रहे हैं? एक चीज बताओगे? हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? बेटा तारा रंपम, तारा रंपम। हाँ? ये कोई नाम होता है सिनेमा का, क्या सोच के रखा था आपने बेटा? अरे आपने किसको फोन मिलाया? कौन? सैफ को। सैफ तारा रंपम बेटा, ये बहुत गंदा जलील जाहिल जुलुलुलु नाम है ये। तो एक जगह से ही फोन करेगा, फोन रखो गोली मारेंगे बेटा। ये टैलेंट है आपका, घुस के गोली मारेंगे। हेलो, मैं स्पीकिंग टू शेफ। या आई स्पीकिंग। जब आप कोई बहुत ही बेहतरीन डिश बनाते हैं जिसका टेस्ट एकदम रंगीन और संगीन हो, तो आप टेस्ट करके क्या कहते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट यू से? बात कौन कर रहे हैं पहले बताएंगे आप? होटल के जीएम का मैनेजर बोल रहा हूँ मैं। ओके ओके सर। या हाँ, तो पहला शब्द आप क्या कहते हैं? वाओ। वेल इसे कहते हैं अरे कौन फिर से कौन? हेलो सर। हेलो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग अरे यार यार ले लो यार, इसे ले लो यार, क्या बात है, कैसे हो तुम? रद्द हो गई यार। हेलो, प्रतिभा बात कर रही है? हाँ, आप कौन? प्रतिभा जी मैं की तरफ से बात कर रहा था, हम एक सर्वे कर रहे थे एंड उस सर्वे के लिए हमें आपका 2 मिनट का वक्त चाहिए था, अगर आप अच्छा बताइए जी। हमारी जानकारी में आया है कि आपका घर जो है वो 2100 स्क्वायर फीट का है। इज दैट अ प्रॉब्लम? नो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपके घर में रहने वाले 3 जन हैं। हाँ। आपके घर में 3 कमरे जो है वो ऑलमोस्ट खाली है। ये सब आपको कैसे पता चल पा रहा है? आपने प्रॉपर्टी के लिए बैंक लोन लिया था, बैंक लोन के लिए पैन कार्ड नंबर दिया था, पैन इज लिंक्ड विद आधार, सो हमें मालूम चल गया कि कितने कमरों का आपने फ्लैट लिया था। सो आपके घर पे 17 लोगों को भेज रहे हैं, ठीक है? आर यू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया? यस आई एम। हाँ तो मैं आपको बात बताऊँ, देखिए गांव-गांव में बिजली पहुंच रही है अब। okay. जब तक बिजली नहीं पहुंच रही है तो हम लोगों के घरों में अकोमोडेट कर रहे हैं। आपके घर में 3 रूम खाली है, आपको रेंट भी मिलेगा। 17 लोग हैं, आपको रेंट भी मिलेगा। भाई रेंट पे क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं आपको सरकार रेंट देगी। मुझे नहीं रखना है अपने घर में अनजान लोगों। मैडम आप ऐसे कैसे, आप जबरदस्ती बिना मेरी परमिशन के मेरे घर? जबरदस्ती नहीं, क्योंकि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। बट दिस इज सो स्टूपिड। अच्छा आपके घर में बाथरूम कितने हैं मैम? 3 है ना, 17 3 20 लोग, 20 लोग 3 बाथरूम, ठीक है कोई बात नहीं मैडम। हम लोग सारे लोगों को ना बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन दे देंगे, वो उसमें करके
What are you saying? मैं आपके भलाई की बात कर रहा हूँ कि आपके ठीक है बाथरूम में आपके वो नहीं जाएंगे, गंद नहीं फैलेगी। आपके घर के बाहर वो हरा और सादा एक हम रखेंगे, गीला कचरा सूखा कचरे के लिए। मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह का सेंसिबल सर्व। मैम आई ये कौन सा सर्व है? मैम डिड यू स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल? रखूं स्ट्रेंजर्स को अपने घर में और मेरे घर में पॉलिथिन लेके आएंगे? डिड यू स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल? यस। हाउ इज योर इंग्लिश? इट्स गुड। तो मैम उनको नाइट स्कूल के तहत आप पढ़ा भी दीजिएगा रात को, ठीक है? अच्छा हाँ, और बताइए फिर। सर्व शिक्षा अभियान भी चला दूं, सफाई अभियान भी चला दूं, और कुछ बच गया है अपने माँ बाप को भी भेज दीजिए आप। मैम वो देख रहा हूँ कोटे में, अगर हो सके तो बढ़ा दूंगा, 17 का 19 करके मैं भेज दूंगा। What the f- are you really serious about this? ये क्या चल रहा है? Are you really? क्या? आपकी भाषा भी ना उनसे मिलती है जैसे गाली गलौज देती हैं आप। सो ठीक है, आपकी पटरी बैठेगी उनके साथ में, मैं बता रहा हूँ। अबे ओ ओ हेलो हेलो, मुझे नहीं लगता ये कोई गवर्नमेंट का सर्वे है, दिस इज टोटल। आपके घर पे तो 17 लोग आएंगे मैडम, आज 17 महाभोज की तैयारी कीजिए, 17 लोग आएंगे एकदम दिल खोल कर एंजॉय करेंगे सारे लोग। मैं पुलिस को फोन, आप किसको, आप मुझे बताइए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। व्हाई यू लाफिंग मोरन? बड़ा मजा आ रहा है। ये किस तरह का मजाक हो रहा है? प्रतिभा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बनाया जा रहा है। प्रवीण यार मैं सच में बहुत डर गई थी। तुम्हें गवाह बताओ यार, 21 सब्सक्राइबर घर में अकेली रहती है, 3 जन यार, हमें फ्रेंड पे दे दो, तुम हमें दे दो। तुम्हें तो करता ही ना दूं मैं, सीरियसली यार। तो मैं कौन सा मांग के ले रहा, मैं तो जबरदस्ती ले लूंगा। हेलो, हमने एड वैड सुना था आपका, देखा भी था कि आप लोग गोरिल्ला ग्लास बिक्री करते हैं। हाँ हाँ बेचते हैं, अभी तो फ्रेश माल आया है। हमें क्या ना दरअसल गोरिल्ला ग्लास की जरूरत थी, तो क्या रेट लगता है आपके उधर में, मतलब कैसे क्या भाव? तो मतलब कौन से डिवाइस के लिए, सेट के लिए? डिवाइस तो देखिए हमारा अफ्रीका से लेकर के आए हम। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा हमारे पास तो, कोई भी आप आ जाओ दुकान पे आ जाओ। 10 फीट हाइट का चाहिए और चौड़ाई में कम से कम 20 फीट का तो होना ही चाहिए मिनिमम, और वो क्या ना चारों तरफ से, मतलब काय के लिए चाहिए आपको? टार्जन ऐसे आता है हवा में ओ ओ ओ करके और उठा करके ले जाता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है इसको लेकर के। क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं। हमें गोरिल्ला ग्लास चाहिए। आप गोरिल्ला ग्लास बेचते हो ना? अरे गोरिल्ला ग्लास बेचते हैं दुकान पे। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हो बताना जरा एक बार? अलीपुर जू से बोल रहे हैं। जो गोरिल्ला जिसमें रखते है ना, वो लोहे वाला खांचा है, वो उसमें जंग वंग लग जा रहा है, पेंट वेंट का खर्चा हो रहा है, तो हम सोचे एक ही बार में गोरिल्ला ग्लास लगवा देंगे। पागल आदमी हो गया यार। अरे नहीं भाई, आप बोल रहे गोरिल्ला ग्लास ऐसा हथौड़ी मारे टूटे नहीं, तो ठीक है उसमें गोरिल्ला रखेंगे हम लोग, है ना? Okay, यार। नहीं वो तो हम आपको समझ रहे थे। ना तो बोलो मत, तुम्हारी फाड़ देंगे वहीं आके, जो भी बोल रहे हो ना तुम। अच्छा गोरिल्ला नहीं तो सांप का ग्लास होगा आपके पास में? सांप ना तेरी, बिच्छू है हमारे पास में बहुत तरीके के, वो है वैसे बिच्छू का ग्लास चाहिए था। अच्छा क्या होता ना के साथ में सांप बिच्छू सब एक ही जगह पे, आईडी थोड़ी ना चल रही है, क्या है? गोरिल्ला बहुत बेचैन रहता है, देखिए कितनी बेचैन। देखिए पागल हो गया है, उसको गोरिल्ला ग्लास चाहिए। गोरिल्ला देखिए भैया, देखिए पैसों की कमी नहीं है, पैसों की लाइन लगा देंगे हम लोग, पैसों की जरूरत है ना, मैं दे रहा हूं। देखिए बेचैन हो गया फिर से बैठो। ऐसा है देखिए, हेलो वो ऐसे फेविक्विक से जोड़ जोड़ करके, ऐसे जोड़ जोड़ करके आप बड़ा बना करके खाचा दे दीजिए। बिजनेस का दिमाग होना चाहिए आपके पास में, ऐसा ऐसा बुद्धि लेके दुकान कैसे चलाएंगे आप? भाई साहब मेरे में दिमाग ही नहीं है, मेरा दिमाग हमको फोन दो, हमको फोन दो। देखिए हमारा गोरिल्ला बात कर रहा है। हेलो, अबे ये गोरिल्ला कम खाली ज्यादा लग रहा है। हेलो, रेड एफएम से बोल रहे थे, आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था सुबह सुबह। अरे दादा सर, मतलब मैं सोचा था आज मैं गोरिल्ला ग्लास लगाऊंगा अपनी दुकान की शक्ल डाल के। हेलो देवशीता, लैब से बोल रहे थे। हाँ। तो अपनी टेस्ट को लेखाने को দিছিলেন তো? হ্যাঁ দাদা রিপোর্টটা চলে এসেছে। কখন নিতে আসবো? আমি ফোনেই বলে দিয়েছি আপনাকে। রিপোর্ট যেটা বলছে রেড ব্লাড কর্পাসকল আপনার প্রায় 47 লাখ আর হোয়াইট ব্লাড কর্পাসকল আপনার হচ্ছে 27 লাখ। দুটো যোগ করেছিস তোরা? হ্যাঁ স্যার, নিয়ার অ্যাবাউট 73 লাখ। তো মতলব কি? আপ কি ঘি খাতে হ্যাঁ খাতে গরম ভাতে ঘি ভালো লাগে তো এসা হ্যায় কি আপকো কুত্তে কো ঘি হজম নেই হোতা মানে আপকো নেই বলতা ও বেটে কা পেপার থা ও চেক করা রাহা থা আপ মুঝে बता रहे हो बेटे का पेपर। ये बताइए कि आप अदरक के शौकीन हैं? हाँ खाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक मिनट अदरक खाते बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब छेलेर पेपर टा देखिए एक दाड़ान ना। अरे आपने डिसाइड कर लेना आपने की करबेन, आपने पेपर सुनो सुनो सुनो, आपने जीरा खान जीरा क्या जीरा देबे तुम्हें बोलबे उठ के मुँह में जीरा नहीं
बोलना कुछ और था, लेकिन अब जब आपने बोल दिया तो हम कुछ और ही बोलेंगे। দাদা এরকম গালাগাল দেবেন না, আপনি যে রিপোর্টটা এখানে দিতে এসেছিলেন দাদা, আপনি স্টুলের স্যাম্পলটা দেননি। স্টুলের স্যাম্পল নিয়ে কি করবে? আপনার স্টুলটা কি কালো হয়, মানে পটিটা কালো হয়? হয়তো। তো তো তোমার জিজ্ঞাসা করার কি আছে? আপনার দালটা আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। কি বলছে বেটা, কে এটা? কিউকি দাল মে কুছ কালা হ্যায়। দেখুন এইভাবে গালাগাল না, দাঁড়ান আপনার রিপোর্টটা দেখেই বলছি। রিপোর্টে লেখা আছে আপনার KBNH2 হয়েছে। আপনার কি হয়েছে? KBNH2 হয়েছে আপনার। মানে KBNH2 জানেন না আপনি? কি করে আমি জানবো? KBNH2 হয়েছে, আপনাকে আগে আরো কয়েকটা টেস্ট করাতে হবে। আগে বল KBNH2টা কি? দেখো আসছে ফোন করে বলছে KBNH2 কি, এটা কি ভাইরাস? KBNH2 মানে কুছ ভি নাই হুয়া হ্যায়। দাদা ম্যাম সামনে দেবো তো আমি, চিনিস না আমাকে, এই এলাকায় আমার নামে কেবিন এসছি একবার বলছি ধীরে বতায় বিকি নেই। হ্যালো হ্যালো প্রবীণ, ম্যাম প্রবীণ বল রা থা রেড এফ এম সে। मैं ना इतना गाली बता रहा हूँ जिंदगी में नहीं सुना जितना आज सुन लिया। इतने बीप, माफ कर दो, इतने बीप, इतने बीप। अपना नाम तो चेंज करे देखे जावा उचित, बीप चक्रवर्ती। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे पुनीत जी का। वैसे तो इनका काम प्रॉपर्टी का है, लेकिन अंदर ही अंदर एक फिल्मी कीड़ा भी है जो इनसे भी बड़ा होता जा रहा है। आज ट्रेलर काटो इनका, बजाओ इनका बैंड। हेलो, अरे भैया चौबे बात कर रहा हूँ मैं, पुनीत प्रॉपर्टी डीलर वाले हो क्या आप? हाँ जी, कौन ये भैया? बोल तो दिया चौबे बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ 6-7 महीने पहले हमारे पिताजी ने आपके साथ डीलिंग करी थी, रेंट पे घर लिया था, ठीक है? अच्छा। वो जो है रेंट की सिक्योरिटी और हमारा रेंट जो है वापिस कर दो आप, मैं आपके पास आऊंगा, हमको यहाँ पे जो है घर नहीं रहना, हम खाली कर रहे हैं इस घर को। क्यों खाली कर रहे हो ये तो बताओ पहले हमें। भैया ऐसे मोहल्ले में आपने डाला है यार। अरे शाम के टाइम में दूध लेने गया हूँ पीछे डीडीओ मार्केट में, वहाँ पे हमारी पड़ोस की एक मोहतरमा खड़ी हुई थी, उन्होंने मुस्कुरा के नमस्ते करा, मैंने भी इशारे में नमस्ते कर दिया। अब उनके पति जो थे साथ में खड़े हुए थे, वो फालतू बात करने लग गए। क्या बात होगी बताओ। अरे मैंने जैसे ही नमस्ते करा तो मेरे सामने आके कहते हैं, ओ शर्म कर शर्म, आंटी है तेरी आंटी। ये है कौन, आवाज कैसी आ रही है? अरे तो तुमको बता रहा हूँ मेरे मालिक, उन्होंने ये बात बोली कि शर्म कर शर्म, आंटी है तेरी। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको बोला अरे मेरे मालिक ऐसी कोई बात नहीं है, आप साइड में आके बैठो, वहीं पे बेंच लगा हुआ था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। अब बताओ ऐसे कहने लगे। हाँ क्या आवाज आ रही है बीच में? हाँ तो मतलब हम तुम्हारे कहीं पे बैठेंगे उठेंगे? क्या मूवी देखने गया क्या? अरे मूवी नहीं देख रहा मैं, तुम्हारे को एग्जैक्टली वही बात बता रहा हूँ जो उन्होंने मेरे को बोली। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने बोला भाई ऐसा है मेरी भाभी समान है, मैं तो इज्जत करता हूँ इनकी, तो कहते हैं झूठ नहीं। हम तुम में इतने छेद करेंगे कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। ये बताओ बीच में बात क्यों ला रहे हो? एग्जैक्टली करने ढंग से बात करो ना। बीच में आवाज क्या आ रही है, उन्होंने जो बात बोली है वो तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे तुम? तो ढंग से बोलो ना, बीच में पिक्चरों की बात क्यों ला रहे हो? अरे वही बात तो बोली है उन्होंने, तो बोलिए मैं क्या करूँ फिर। हाँ तो सुनो उन्होंने क्या बोला है यार। क्या बोला है? हट कर रहे हो, हंस रहे हो यार दूसरे की तकलीफ पर तुम। मैंने उसके बाद बोली मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही जो कहते हैं। मेरे बारे में इतना मत सोचना। अबे ओ हेलो, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। अबे ओ सुन, सलमान खान की छठी औलाद मेरी बात सुना वगैरह, आवाज आ गई ना फोन काट दो सही है। मेरी बस इतनी बात सुन लो, उनकी बीवी ने क्या बोला, तड़पती रहूंगी, तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरे मार के। अरे बुड्ढा कौन है, 34 साल का तो टोटल चौबे बोलना हुए। किस तरह हार में पैदा हुआ था क्या चौबे? किस तरह गीला कर देंगे तुमको ऊपर से लेके नीचे तक। हमारे हमारे गांव के बच्चे पता क्या कर रहे हैं तुम जैसे को देख के? हमारे गांव में धोने से पहले तमंचा चलाना सिखाते हैं। हाँ देख रहा है, तमंचा चलाना सिखाते हैं। तमंचा तेरी भाई बस 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 भाई बस ऊपर 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। अरे भाई यार मैं तो लगा नहीं किसका फोन आ गया भाई। सेकंड ईयर के सौरभ जी, हाल फिलहाल में इन्होंने गिटार बजाना सीखा है और इतना रौड़ा पार रखा है, मतलब रॉकस्टार के वो जी नहीं जनार्दन झाकड़ वो बन रखे हैं। कहते हैं ऐसा गिटार बजाता हूँ, ऐसा गिटार बजाता हूँ, खड़े खड़े सुसु निकलवा देता हूँ। अच्छा आज बजवाते हैं इनसे बैंड।
हेलो हेलो नमस्कार बेटे, मेरी बात सौरभ जी से हो रही है? हाँ हो रही है, बोलो। बेटे नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ। आपका नंबर दरअसल मेरे को रेफरेंस के थ्रू मिला था। आपके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है ना, अनिरुद्ध? हाँ पढ़ता हूँ भाई साहब। थोड़ी सी समस्या में था बेटे, हमारे को बहुत ज्यादा मजबूरी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो बता रहा था आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। हाँ बजाता हूँ बेटे। जरा अभी फोन पे थोड़ा सा गिटार बजा दोगे एक दो मिनट? जिप खोल के रखना, तू जिप खोल के रख। हेलो हेलो, आज क्यों बजाऊं यार? बेटे मैं यहाँ पे मेरा हाँ दादू के आगे भी तो कुछ बोलना। दादू करवा दो ना। बेटे करवाने ही लगा हुआ हूँ ना। बेटे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, इसके मम्मी पापा छोड़ के चले गए इसको मूवी देखने के लिए। मेरी समस्या तो ना तुम्हारी समस्या, तुम ऑटो यार सुन तो ले बेटे, तुम्हारे दादा की उम्र का हो ये, तुम लिहाज ही नहीं करे किसी चीज का। अरे दादा की उम्र का है ना, काका दादा तो नहीं है। अच्छा ये भी बात ठीक है, लेकिन फिर भी मदद तो हो ही सकती है ना। आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है अंकल, अपने बिना फायदे के कोई मदद नहीं करता। तो आप गिटार बजवाने के लिए क्या तेरे पास गहने रखवाऊं क्या अपनी बीवी के? आने रखवाने पड़ेंगे। अच्छा फालतू की बातें कर रहे हैं। सुन मेरी बात, जिप खोल के रख, तू पैंट उतार दे अपनी। हाँ ऐसा है, अकड़कम पहले अकड़कम, काम तुझे मुझे नहीं है, अकड़कम। हेलो ओम शांति ओम, ठीक है मेरी बात सुन। मेरा जो पोता है ना बेटे, इसको टॉयलेट नहीं आ रहा है, पिछले 3-4 घंटों से टॉयलेट ही नहीं कर पा रहा। इसने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, इसने 2-2.5 लीटर पानी भी पी लिया, इसने जूस वूस भी पिया। सीटी बजाई मैंने, इतनी बार सीटी बजाई, कई बार तो पता नहीं चला मेरा खुद का हो गया पजामे में। 3 पजामे मैंने सूखने के लिए डाले। सुनो तो सही, दरअसल मेरे को पता चला था तुमने कॉलेज में अपने बोला हुआ है कि तुम ऐसा गिटार बजाते हो कि आदमी खड़ा खड़ा मुद देता है। तो बेटे अगर ऐसा है तो जरा थोड़ा सा गिटार बजा दो, मेरा यहाँ पे पोता मुद देगा। नहीं बजाऊंगा। प्लीज बजा दे बेटे, बेटे बजा दो। हेलो मैं बता रहा हूँ, गाली बक दूँ आपकी? है गाली बक देगा? हाँ। देख मेरा पोता क्या कह रहा है। दादू को कुछ दे दियो, दादू को कुछ दे दियो। क्या मतलब है, क्या रखे है यहाँ पे? मैं नहीं बजाऊंगा गिटार, नहीं बजाऊंगा। अरे बेटे यहाँ पे थोड़ा सा निकलवा दे बेचारे, कुछ कर लो, नहीं बजाऊंगा। अरे दादा पोते ने दिमाग खराब कर रखा। अपने फ्रेंड को क्यों बोला कि आप गिटार बजा दे, भैया आप निकलवा देते हो। अरे मैं गिटार से सिताई कर दूंगा। तू छोड़ दे सौरभ, तुम बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। नहीं बजाएगा तो ठीक है कोई बात नहीं, हम 6:40 और 7:40 पे बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हो? बैंड सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से, भाई आशीष बात कर रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। ये बुड्ढा कौन था? बेटे मैं ही ता माजी सटक ली, ऐसा संजय जी कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल में वो बुके का, केक का, यू नो गिफ्ट आइटम्स ऑर्डर करने का थोड़ा सा बिजनेस खोला है, लेकिन थोड़ा मामला टाइट से चल रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी खुशी की लहर आज हम दौड़ा देते हैं, बजाओ इनका। ओ नहीं यार फालतू की बातें मत करा करो आप। हेलो हाँ संजय जी नमस्कार। नमस्कार भाई, ये सुनने में आया आपने कुछ अपना ये फूलों का गुलदस्तों का बिजनेस शुरू करा है? जी जी जी। बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी लोकैलिटी में एक इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मतलब और क्या क्या गिफ्ट आइटम भी रखी हुई है आपने? जी सब कुछ, टेडी वगैरह, चॉकलेट वगैरह, केक वगैरह। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। खैर मैं फिलहाल के लिए आपको एक मदद चाहिए थी, मैं पूछ रहा था ये कहते हैं वो फूल होता है ना जिसमें बड़ी अच्छी खुशबू होती है? हाँ जी हाँ जी। गुलाब का? नहीं गुलाब नहीं, मैं बना दूंगा बड़ा अच्छा गुलदस्ता बना दूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नाम नहीं याद आ रहा ना। अच्छा वो गेंदे का? नहीं गेंदे का भी नहीं है वो, बड़ा चमेली का? नहीं चमेली भी नहीं है। नहीं व्हाइट रोज? नहीं व्हाइट रोज भी नहीं है, थोड़ा प्यारा सा होता है वो, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा, प्यारा सा अच्छा सा। ये लंबी सी डंडी होती है, ऊपर में होता है फूल जो होता है, रजनीगंधा। हाँ एक सेकंड, मैं बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी थोड़ी कहते हैं रजनी जी। सुन मैं क्या कह रहा हूँ, फिर मार्केट जा रहा हूँ, मेरे को बता दे कुछ सामान लाना है तो। नहीं चले जाओ। चलो ठीक है जी। तो इसका बनवा दो जी गुलदस्ता? नहीं नहीं ये तो हमारी मेरी बीवी का नाम है रजनी, दिमाग में आ नहीं रहा था, उससे पूछूंगा भी तेरा नाम क्या है, तो फिर तो बीवी का नाम नहीं आ रहा था, मेरे टाइम खराब करना था यार। आप तो इतना कुछ नहीं है, तूने कमाल की बात हो गई यार, अपनी बीवी का नाम पूछा, तेरी बीवी का नाम थोड़ा पूछ लिया, तो मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है अपनी बीवी का नाम पूछने के लिए? बीवी तेरी एक मेरी है, काम धंधा डाउन है तो मौत, दिमाग खराब कर लो। चलो केक का बता दो फिर। केक लेना आपने? नहीं लेना तो बता दो, वैसे कौन कौन से हैं? चॉकलेट? अच्छा। वनीला? अच्छा। स्ट्रॉबेरी? नहीं। और मिक्स फ्रूट? मिक्स फ्रूट एक सेकेंड। हाँ रजनी जी, वो मिक्स फ्रूट वाला जैम मंगवा लियो, उसको बोल के दीपिका स्टोर वाले को। ठीक है वीर जी, धन्यवाद, फिर आपका काम अच्छा चले मैं कहता हूँ भगवान से दुआ हमारी। तो मिक्स फ्रूट भेज दूं जी? मिक्स फ्रूट का जैम जो था हम भूल गए थे, वो हमने अब अपने किराने वाले को बोल देना, फिर वो भिजवा देगा जैम। तेरी की तो है नहीं, तू ऊपर से और मत खराब कर रहा है। हेलो हाँ जी बोलो। केक भेजूं?
बड़े ढीठ आदमी हो यार, नहीं चाहिए कि कौन बोल रहा है, दांत ऊपर से निकाल रहा है, दिमाग खराब कर रखा है भाई। वाकई में बहुत धंधा बंदा चल रहा है क्या? हाँ यार, मैं 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। सही है भैया, सही।